हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन ऐसे दो पैनल लिस्ट के बारे में बात करने वाले जिन्होंने पैनल पार्ट सेकंड जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इससे एडवांटेज है स्पेशली उन कैंडिडेट्स को जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है। दोस्तों, इसका सेकेंड जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा उन कैंडिडेट्स के जिनके जो कट ऑफ था वो हो सकता है कि एक डेढ़ या ज़्यादा दो नंबर से रह गए थे और जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में था। दोस्तों, उनको अब आगे चांस मिलेगा कि आप आइए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो आपका पीईटी टेस्ट हो चुका है या मेडिकल टेस्ट जो होना बाकी था अब वापस से करवाइए, और जो खाली सीट बच जा रही है, जो ऐसे कैसे निकल जा रही है, अब उनको फुलफिल करेंगे आरआरसी वाले। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लाइव ही दिखाऊंगा। ये देखिए, सबसे पहले गूगल पे आप आरआरसी एएलडी मतलब आरआरसी इलाहाबाद की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाना, फिर उसके बाद अपन सेकंड जो आरआरसी उस पर जाएंगे और मैं आपको पूरा डाउनलोड करके बताऊंगा। मैं जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे देता हूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनसे वो खुल नहीं पाता है और वो परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूँ। और उसी के साथ साथ मेरी एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, जो आउटपुट है कि कितनी कहाँ सीट खाली है और जैसे आगरा, इलाहाबाद, झांसी, यहाँ पे कितने सारे कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है, ये वन बाय वन अपन पूरी की पूरी बात करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आओ यार शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन आरआरसी इलाहाबाद, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। दोस्तों, जो सबसे पहला है इसमें प्रोविजनल पैनल पार्ट टू फॉर द इम्प्लीमेंट टू पब्लिश पोस्ट ऑफ लेवल 17 सेंट्रल पे कमीशन अगेंस्ट सेंट्रल, जो अपना एडवर्टीजमेंट नंबर आया था 02/2018। अपन यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और इस जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है इसे डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, ये डाउनलोड हो चुका है, ये देखिए आपके सामने खुल चुका है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, और जो पैनल पार्ट टू है दोस्तों ये इसका। दोस्तों, इसमें यही बताया गया है फर्स्ट पॉइंट में कि हमने इस तारीख से लेकर इस तारीख तक जो सीबीटी था वो करवाया, पीटी जब करवाया, और फिर जो इनका मेडिकल टेस्ट था इस डेट से डेट को कंडक्ट करवाया, तो अपन इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो मेन जो अपनी बात है वो यहाँ पर दी गई है, नोट कैंडिडेट हुज जेन्युइननेस एंड वेरिफिकेशन नॉट कंप्लीटेड एंड अंडर प्रोसेस हैव नॉट बीन प्रोविजनल पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड आफ्टर द कंप्लीट वेरिफिकेशन एज पर रूल प्रोविजनल पैनल पार्ट थ्री विल बी इश्यूड एज सक्सेसफुल कैंडिडेट। दोस्तों देखिए, इन्होंने साफ इंडिकेट कर दिया है कि अगर हो सकता है आपका नाम इस पैनल लिस्ट में नहीं आए और आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में भी आप फिट करार दे दिए गए, तो जो थर्ड पैनल पार्ट थ्री आएगा उसमें आपका नाम ज़रूर होगा। दोस्तों, इन्होंने इंडिकेट कर दिया कि जो पैनल पार्ट थ्री है वो भी बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल जो कैंडिडेट्स हैं उनका जारी कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं अपन, आगे इन्होंने यही का यही पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है इसको हिंदी में दे दिया है। अब अपन कैंडिडेट्स देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपको जो बता रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, आगरा में दोस्तों 12 कैंडिडेट्स लिए गए हैं, जो इलाहाबाद के हैं वो 30 कैंडिडेट्स, झांसी के 11 कैंडिडेट्स, और पीडब्ल्यूडी में जो इलाहाबाद के वो 4 कैंडिडेट्स हैं, पीडब्ल्यूडी के झांसी का 1 कैंडिडेट है, इलाहाबाद का जो एक्स सर्विस मैन है वो 1 कैंडिडेट्स हैं। तो इन सभी कैंडिडेट्स को मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी पूरी टीम की साइड से, और आप जल्दी से जल्दी जाइए, जो ज्वाइनिंग लेटर है आपके पास आएगा, अगर नहीं आएगा तो आपको जो आरआरसी है उनका हेल्पलाइन नंबर रहता है, लैंडलाइन नंबर, उस पर कॉल करें, आपको गूगल से भी वो इजीली मिल जाएगा, और उनसे कांटेक्ट करें, फिर वो आगे की आपको प्रोसेस बताएंगे। दोस्तों आइए, अब अपन दूसरे आरआरसी पे जाते हैं और फिर चेक करते हैं वहाँ का क्या स्टेटस है। दोस्तों ये अब अपन सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। दोस्तों ये अपन वापस से गूगल पे आ चुके हैं, आपको RRCBBS दोस्तों जो भुवनेश्वर है उसकी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों ऐसे तरह का एक इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर उड़ीसा। दोस्तों ये देखिए, आप नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ 34 कैंडिडेट्स कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन CEN 02/2018, इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, तो अपन इस पर क्लिक कर लेते हैं और पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है ये पर्पज से, फॉर अपॉइंटमेंट इन वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1 अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN, अपना जो दोस्तों एडवर्टीजमेंट नंबर आया था ग्रुप डी का 02/2018। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, अपन देख लेते क्या क्या लिखा हुआ है उनको, इन रेफरेंस टू द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 02/2018 डेटेड। दोस्तों इसमें यही बताया गया है कि इतने कैंडिडेट्स को हमने बुलाया और इतने कैंडिडेट्स नहीं आए, तो फिर आगे का प्रोसीजर क्या है, हैंस इट इज डिसाइडेड, इन्होंने डिसाइड किया कि कॉल फॉर द फॉलोइंग 34 कैंडिडेट्स, 34 कैंडिडेट्स में UR के 21, OBC के 8 एंड PWD जो है
हिंदी वाले वो 5 फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड ऑन 14/11/2019 14 नवंबर को इनको ऑफिस ऑफ द चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेकेंड फ्लोर साउथ ब्लॉक रेल सदन चंद्रशेखरपुर भुवनेश्वर उड़ीसा यहाँ पर इन 34 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है ये, जिन भी 34 कैंडिडेट्स का नाम इसमें शामिल है बिल्कुल जाइए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जो एग्जामिनेशन है वो करवाइए। एक बार आप उसमें इंटर कर जाते हैं दोस्तों, फिर आपको दोस्तों किसी भी जॉब में आपको मेहनत तो उतनी ही करना है दोस्तों, क्यों ना सेंट्रल गवर्नमेंट में कर ली जाए और फिर आगे अच्छी आपको पोस्टिंग भी मिलेगी और आपके प्रमोशन साथ ही जो अलाउंसेस और एडवांटेज है वो भी आप ले पाएंगे। फिर आगे लिखा हुआ है द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी रिसीव्ड अ कॉल लेटर थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल एंड ऑल्सो गेट SMS। दोस्तों ये जो 34 कैंडिडेट्स हैं इनको ईमेल भी आ जाएगा एज वेल एज SMS भी आ जाएगा। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि बहुत ही अच्छी मुहिम या इनिशिएटिव रेलवे द्वारा लिया गया है। द लिस्ट ऑफ 34 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन इज अटेस्ट हेयर बाय। दोस्तों ये देख लीजिए, ये जो 34 कैंडिडेट्स हैं उनका नाम सीरियल नंबर रोल नंबर और नेम भी मेंशन कर दिए गए हैं। रेलवे बहुत ही जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी अच्छे तरीके से ध्यान रख रहा है कि उन्हें भी कोई दिक्कत ना आए। तो ये जो भी कैंडिडेट्स हैं देखिए आप यहाँ पे पूरे के पूरे जो 34 कैंडिडेट्स हैं उनका नाम है। प्लीज़ मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी 34 ये मेंबर्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, प्लीज़ जाइए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज वेल एज मेडिकल टेस्ट करवाइए और उसमें सक्सेसफुल होके आइए और वहाँ पे अपने ग्रुप डी की जॉब स्टार्ट करिए एज ए एम्प्लॉय और धीरे धीरे आपको जो उसके अलाउंसेस हैं और जो बेनिफिट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने पूरे के पूरे आपको दो पहले अपन ने बात की जो पैनल पार्ट टू है और इसमें जो पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है ये सेकंड वाले इसमें। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जिनकी जॉब लग रही पर वो नहीं जा रहे, उनके माइंड में एक परसेप्शन घुस गया है कि नहीं ग्रुप डी की है तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों उससे बहुत सारी हर एक जो जोन है कम से कम उसमें अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हैं कि 500 से लेके 600 तक जो खाली सीट्स है वो बच जा रही। तो इससे फ़ायदा जो होने वाला है वो है वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को। वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को बहुत ही जल्दी जो कॉल लेटर है या मैसेज के थ्रू या जो उनका ईमेल रजिस्टर्ड है वहाँ पर उस पर ईमेल किया जाएगा और एज सून एज पॉसिबल उन्हें बुलाया जाएगा। दोस्तों उनका जो कट ऑफ है वो भी हो सकता है कि जो कट ऑफ हाई जा रहा है उसे थोड़ा कम कर दिया जाए रेलवे द्वारा और जो यंग यूथ हैं जो कैंडिडेट्स उनको मौका मिलना चाहिए उन्हें मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर इससे रिलेवेंट और अदर रिलेवेंट आपके कुछ भी डाउट्स हो क्यूरीज हो तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और फर्स्ट टाइम दोस्तों मैं अपील कर रहा हूँ आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि जो कैंडिडेट्स होप छोड़ चुके अपने और जिनका नाम ऐसा था कि मतलब ऑलमोस्ट उनका सिलेक्शन हो चुका है बट ड्यू टू एक या डेढ़ नंबर से वो रह गए हैं वेटिंग लिस्ट में दोस्तों, तो उनको मौका मिले और उनके पास भी मैसेज पहुंचे तो वो अवेयर हो। तो मेरी आपसे फर्स्ट टाइम ये अपील है, नहीं तो मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि कोई लाइक नहीं कोई कमेंट नहीं और बस मैं चाहता हूँ कि आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, यही इस चैनल का मोटिव है। तो प्लीज़ फर्स्ट टाइम मेरी आप सभी से हम रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करो कि वीडियो सभी के पास पहुँचे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। होप आप वीडियो सभी को ये पसंद आए। अपना खुद का ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।